हिंदी भी मेरा विषय है जी, मैं हिंदी गणित और हिंदी पढ़ाता हूँ। हिंदी में भी मेरे के जब तक बच्चे को पढ़ना नहीं आता है तो अपने पढ़ाने का कोई तात्पर्य नहीं है। अधिकतर मैंने जैसे पाँच क्लास के बच्चे को जिसको हिंदी शिक्षण कार्य नहीं आता है, जो जिन बच्चों को आता है उनके साथ बिठाया गया, उन्हें कोऑपरेट कर समझाया गया कि इनकी जिम्मेदारी आप लोग इन्हें शिक्षण कार्य समझाओ, मात्रा संबंधी बताया गया, फिर वो बच्चे धीरे धीरे उनको समझाते गए, उनको जैसे क्लास में खड़े करके अलग अलग ग्रुप बनाया गया, भाई कमजोर बच्चे के साथ में होशियार बच्चे को बिठाया गया, इस प्रकार उनको शिक्षण कार्य करवाया। प्रचार में जिस प्रकार से हमको पढ़ाया गया या बोर्ड पर वाक्य लिखे पहुँचा गया, अधिकतर पाँचवीं क्लास के बच्चे मेरे यानी कि 10 से 11 का नामांकन था उस वक्त, तो बच्चे 50% बच्चों को ये नहीं आता था कि सही शुद्ध पढ़ना नहीं आ रहा था, उनको फिर उन बच्चों के साथ में बिठाया गया, भाई इनको ये मात्रा का ज्ञान जैसे अपन छोटे बच्चे को समझाते हैं पहली क्लास और दूसरी क्लास के, भाई इस मात्रा को क्या क्या, लेकिन पढ़ाते समय मैंने जैसे वाक्य बोल रहा हूँ कि राम जयपुर जाता है तो राम भी समझा रहा हूँ कि राम रह का आ की मात्रा लग रही है इसमें, इसलिए रा मैं राम छोटे छोटे सरलता में उसको समझाया गया। फिर धीरे धीरे जैसे कोई भी मात्रा है छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा को पढ़ाते समय मात्रा का संपूर्ण ज्ञान दिया, भाई इस मात्रा में जैसे कुछ तो कुछ अपन कुछ भी बोल रहे हैं क्या कि किसकी मात्रा, तो कुछ बच्चों को बीच में पूछा गया भाई इसकी क्या मात्रा कौन सी लग रही है, आ की लग रही है ऊ की लग रही है, तो बच्चे अधिकतर धीरे 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 कुछ बच्चे समझने लगे चीज़ को, फिर वाक्य में परिवर्तन हुआ। मैंने देख लिया मेरे जो सहपाठी है मोबाइल फोन जिसे रेडियो प्रसारण आया था बीच में अपने चला था, उसी प्रकार जैसे बच्चों को अपन किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करके समझाया गया बताते हैं तो वो बच्चे छोटे बच्चे अधिकतर रुचि लेते हैं क्या कह रहा, अपन जैसे बोलते हैं तो उसमें वो रुचि कम लेते हैं, और मोबाइल तो आजकल एक नॉर्मल चीज़ हो गई, बच्चे उसमें जैसे वो हमारे सहपाठी है इंग्लिश में तो वो अपनी पोएम सुनाते हैं तो बच्चे अधिकतर 90% बच्चों को छोटे बच्चों को याद हो गई, उसी प्रकार मैंने भी मोबाइल का काम करते हुए इसमें समझाया वो बच्चे इसमें रुचि लेते हैं। पढ़ाते समय मेरी नज़र से तो पहले तो जो अपन टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें एक बात अपने मन में अमल करना कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चे क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें संबंधी, अपने को इसमें कैसे जवाब देना है, उसमें अपने आप को मन में वो विचार जो क्वेश्चन उठ रहे हो अपने लेवल के उनको एक बार ध्यान में रखते हुए जब क्लास में बच्चों को बिठाया जाता है तो बिठाने की ऐसी भी पद्धति अपनाएं कि जैसे हर बच्चे पर नज़र रहे, कमज़ोर बच्चे को आगे बिठाएं, अधिकतर बैठने में बच्चों की ये सोच रही है मेरी भी रही है कि जो बच्चे को कम आता है अधिकतर पीछे बैठने की कोशिश करता है कि टीचर क्वेश्चन ना कर ले, तो उन बच्चों को आगे लाए आगे बिठाएं, और बिठाने के लिए ऐसे करें कि कमज़ोर बच्चे हैं उनके साथ में होशियार बच्चे को बिठाएं। मैंने मेरी क्लास में लड़कियों को भी एक साथ नहीं बिठाया, लड़के के साथ भी लड़की को बिठाया गया, और अधिकतर क्वेश्चन पढ़ाते समय जो बच्चे कमज़ोर हैं अपने को लगते हैं कि इनकी समझ में नहीं आ रहा, उन बच्चों से ज़्यादा सरलता में क्वेश्चन करके उस वहाँ तक ले जाने की कोशिश करें। और छोटे बच्चे जो हैं अधिकतर मैंने या मेरे हिसाब से टीचर्स, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 70% अधिकतर टीचर्स छोटी क्लासों में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, बाकी जब छोटे बच्चे को अपन पढ़ाते हैं तो अलग ही आनंद आता है, छोटे छोटे बच्चे क्या क्वेश्चन करते हैं क्या नहीं करते हैं उनको बताते हुए, मेरे तो दो बच्चे मेरे साथ ही पढ़ते हैं चौथी क्लास में, मैं उनसे सीखता हूँ कि बच्चे क्या कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी कार्य को अगर अपन लगन से और मेहनत से करते हैं तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। हर टीचर भी यही करे कि जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रही उसके कारण को ढूंढे, न कि उसे प्रताड़ित करे, कारण को ढूंढते हुए उसे समझाए कि इस अरे स्वयं भी समझे कि इस बच्चे को किस कारणों से ये जो अपन समझाने जा रहे हैं जिस विषय में अपन इनको पढ़ा रहे हैं इसको समझने में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है उस बात को ले, जैसे कि अपन हिंदी शिक्षण करवा रहे हैं बच्चे को किताब पढ़ना नहीं आ रही, अब फोकस कर रहे हैं कि बच्चे को नहीं आ रहा तो पहले उसका उस चीज़ को कमजोरी जो बच्चे की कमजोरी जैसे गणित में है अगर संख्या ज्ञान है तो पहले उसको संख्या ज्ञान दें, न कि उसको किताबें ज्ञान शिक्षण या पाठ्यक्रम करवाने के हिसाब से पूरा करवाएं।